मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि जुमे के खुतबे में लोगों से ये ज़रूर अपील करें। UCC 2024 का एजेंडा है और जब तक ये चुनाव होगा जब तक इस पर ये खूब बवाल भी करेंगे। जो बाकी मुसलमान हैं वो तो कुरान को मानेगा और UCC को थोड़ी मानेगा। इसमें से मुसलमानों को भड़काने का काम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। कौन सा पिलर जो है वो कॉमन सिविल कोड से हिल रहा है? आज की डिबेट UCC मतलब ऐसे कानून पर है जिसके आने की सुगबुगाहट से पूरे देश में हड़कंप मचा है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में। आज जुमे की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों में इसे लेकर एक तरह से बहस हुई। मुस्लिम जनता को समझाने की कोशिश मुस्लिम संगठनों की तरफ से की गई थी, उसमें क्या हुआ? इन सारे सवालों का जवाब आज राष्ट्रवाद की डिबेट में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और बड़ी बात, हम इसे लेकर कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, चूंकि एक कानून देश में आ रहा है उसको लेकर चर्चा हो रही है। हम उसमें उन सारे सवालों का जवाब आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें इससे सीधा सरोकार है। कई सारे अफवाहें भी हैं, उन अफवाहों की हकीकत क्या है वो भी आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। क्या जुमे की नमाज के दिन UCC पर मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम हुआ? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कैसे QR कोड के जरिए UCC के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की है और इसका असर आज किन किन मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद दिखाई दिया? समाजवादी पार्टी को UCC कानून 2024 का चुनावी एजेंडा क्यों लगता है? दरअसल लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कानून के खिलाफ ड्राफ्ट भेजने के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि देश भर की मस्जिदों में नमाज से पहले UCC पर विरोध की अपील की जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिदों के इमामों को बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखी। QR कोड के जरिए, जो हम विजुअल में आपको दिखा रहे हैं, QR कोड के जरिए मुसलमानों को इसके खिलाफ अपना वोट देने की बात कही गई। QR कोड स्कैन करके उसके मजमून को फॉरवर्ड करने की बात कही गई। आगे आपको दिखाएंगे कि अलग अलग शहरों की मस्जिदों में आज क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट। UCC पर फैल रही अफवाहों की हकीकत क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद रशीद फिरंगी महली का ये बयान आपको सुनना चाहिए। मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि जुमे के खुतबे में लोगों से ये ज़रूर अपील करें कि पर्सनल लॉ बोर्ड की इस लिंक के ज़रिए से या उसके अलावा भी अपनी राय लॉ कमीशन तक UCC के सिलसिले में ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि लॉ कमीशन तक भी ये बात पहुंच सके कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इसके खिलाफ हैं। तो आपने सुना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का असर आज कई मस्जिदों में देखने को मिला। जुमे की नमाज अदा करने आए आम मुसलमानों में कईयों ने QR कोड के जरिए वैसा ही किया जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लखनऊ की मस्जिद में आज क्या हुआ और लोगों ने क्या कुछ कहा, क्योंकि हमारे सहयोगी मौजूद थे, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। इस रिपोर्ट को देखिए। लोग करें जरूरी है सबके लिए या फिर अगर आप सहमत? जरूरी है, सबके लिए जरूरी है और हर आदमी के लिए जरूरी है। अगर आप सहमत नहीं है तो? नहीं, सहमत ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहमत ना हो। मौलाना साहब कहेंगे वही करेंगे। अच्छा, मतलब अपनी राय, आप सहमत हैं या सहमत नहीं? हमारे बड़े कहेंगे वही करेंगे। प्रोसीजर तो ये है कि जैसे बार कोड लगा है उसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में देन उन्होंने एक ये भी एक अच्छा मैसेज दिया है कि आप ईमेल के जरिए भी अपने मैसेजेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो वो जो ईमेल है उस पर आप अपनी राय मशवरा रख सकते हैं। अच्छी चीज़ है। मौलाना साहब ने कहा कि UCC का विरोध करने के लिए स्कैन कोड है, मेल है, सब कर सकते हैं। इससे चैनल पे बोलते ही नहीं हम। अच्छा, राय नहीं रखते? आपको विरोध करना चाहिए। अच्छा। यानी इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जो करना चाहे करें, नहीं करना चाहे वो करें। जिनको करना है विरोध वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो आपने जता दिया विरोध? जी बिल्कुल, स्कैन करके जी आपने जी जता दिया। अच्छा, आप लोग अभी कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग किया कि नहीं आपने? जी अभी मैंने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया तो करना है या नहीं? जी करना है। अच्छा, सहमत है मौलाना साहब से? जी हाँ। हो सकता है आपकी अलग राय हो कि नहीं साहब कॉमन सिविल कोड आना चाहिए? जी नहीं 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 है। आपकी? जी नहीं आना चाहिए। मौलाना साहब ने जो कहा है वो सही है? बिल्कुल सही है। तो आपने सुना, मौलाना साहब ने दिखा दिया भाई QR कोड स्कैन कर लो, लोगों ने स्कैन करके विरोध कर दिया। अब क्या है डिटेल पता नहीं, लोगों का रिएक्शन आपने सुना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की राय है
जो देश के सामने आना चाहिए ऐसा मैं मानता हूं, इसीलिए उनके बयानों को हमने आपको सुनवाया भी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कुछ और पार्टियां हैं जो यूसीसी को 2024 के चुनाव का एजेंडा बना रही। सांसद एस सी हसन तो आरोप लगा रहे हैं कि देश में नफरत फैलाकर ये चुनाव में वोट बटोरने की साजिश है। उन्होंने क्या कुछ कहा उसे आप सुन लीजिए। देखिए, यूसीसी 2024 का एजेंडा है और जब तक ये चुनाव होगा जब तक इस पे ये खूब बवाल भी करेंगे और कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगे, हिंदुस्तान में रहने वालों को बांटेंगे, नफरतों को बढ़ावा देंगे और वोट हासिल करने की इनकी साजिश है। वो ये कर ही रहे हैं और इनकी तो सारी राजनीति सिर्फ एंटी मुस्लिम है ही, उस पे उस एजेंडे पे आगे बढ़ना है। हम शरीयत पे चलने वाले लोग हैं, वो इस्लाम के कानून जिससे किसी और को कोई दुश्वारी नहीं है, या हम अपनी औलाद में किस तरह से अपनी विरासत को बांटते हैं, जो हुक्म कुरान पाक ने अल्लाह ने हम लोगों को दिया हम तो वो फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। हम शरीयत को नहीं छोड़ सकते। अब एसी हसन साहब जनाब यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो असली मुसलमान है वो किसी भी सूरत में यूसीसी को मान नहीं सकता। सुनिए, जो बाकी मुसलमान है वो तो कुरान को मानेगा, वो यूसीसी को थोड़ी मानेगा। हम तो कुरान को मानेंगे, हम तो साफ इस बात को कह रहे हैं। हम मुसलमानों से ही पूछ रहे हैं कि कुरान को मानोगे या यूसीसी को मानोगे, तय कर लो। अब पहले कह रहे थे चुनावी एजेंडा, फिर कह रहे हैं असली नकली मुसलमान। तो भैया, ये असली मुसलमान और नकली मुसलमान क्या होता है? मुसलमान तो मुसलमान होता है, वो भी इस देश का उतना ही नागरिक है जितना कोई और पंथ संप्रदाय का कोई नागरिक। मैं समाजवादी पार्टी के ही एक और सांसद शफीकुर रहमान वर्क की बात आपको सुनाना चाहता हूँ, वो क्या कुछ कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या मुसलमानों से ये कोई चाहते हैं कि सब यहाँ से चले जाएं, तो लिखकर हमें दे दीजिएगा क्या ये मुसलमान यहाँ नहीं रहे, तो हम बता देंगे कि कैसे जाएंगे हम लिख के। और जगह ये थोड़ी है, ये उत्तराखंड में तुमने कह दिया कि निकल के चले जाओगे, यहाँ से थोड़ी चला जाएगा मुसलमान निकल के। मुसलमान सबका है, हमारा भी है मुसलमान, ये देश हमारा भी है। सल्तना मतलब ये हिंदुओं का ही नहीं है, सबका है, छोटे बड़े जाटों का भी है, औरों का भी है, सब लोगों का जो यहाँ रहते हैं सबका है देश। इसको सबको रोज़गार की तलाश होनी चाहिए, तो बजाय इसके बेरोजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूसीसी के नाम पर नफरती एजेंडा चलाने वालों को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि विरोध करने वाले आम मुसलमानों को दबाकर रखना चाहते हैं। साथ ही बीजेपी ने सवाल पूछा है कि यूसीसी से धर्म का कौन सा पिलर डगमगा रहा है, ऐसी कौन सी बात हो जाएगी। सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो दबे कुचले भोले भाले पिछड़े मुसलमानों का शोषण करता रहा है हमेशा से, जब से ये संस्था इन्होंने बनाई है। और आज यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते, ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार में। इस सेकुलर सुधार पर कमनल वार करने वाले अकल के दुश्मनों से हम एक चीज पूछना चाहते हैं। इस्लाम के 5 पिलर हैं, कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। कौन सा पिलर जो है वो कॉमन सिविल कोड से हिल रहा है? आपको क्या किसी ने कलमा पढ़ने से रोका है कॉमन सिविल कोड के बाद? क्या आपको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है? क्या आपको रोज़ा रखने से रोका जा रहा है? क्या आपको ज़कात से रोका जा रहा है? क्या आपको हज जाने से रोका जा रहा है? इस पाँचों पिलर्स में कौन सा पिलर जो है यूसीसी के आते ही जो है वो डगमगा जाएगा? असल में ये जो कम्युनल कारीगर लोग हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी समावेशी सुधार देश में ना हो। अब चलिए इस मुद्दे पर आज हम बहस करें, उससे पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या अफवाहें सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही हैं और सच्चाई क्या है, ये जानना भी जरूरी है और इस पर आगे हम सवाल भी करेंगे। और ये देखिए, यूसीसी पर अफवाह बनाम हकीकत क्या है, शव दफन
शव दफनाने पर रोक की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर सूत्रों के हवाले से कि ऐसी अफवाहें लोगों के बीच फैलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अंतिम संस्कार की बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड में रखी नहीं जाएंगी। जिसके धर्म में जो प्रथा है वो उसी के हिसाब से होगा। ये सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से है। अफवाहें वो जो सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर या फिर सूत्र बता रहे हैं कि लोगों के बीच ऐसी अफवाहें फैलाने की कोशिश हो रही है। एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि निकाह पर पाबंदी हो जाएगी, निकाहनामा ही नहीं होगा। हकीकत यह है कि निकाह शादी पर जो परंपरा है धर्म की, उसके मुताबिक कोई रोक नहीं होगी। सरकार धार्मिक मामलों में, धार्मिक परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। एक और अफवाह जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया में कि पूरे देश में हिंदू सिविल कोड, कई नेताओं को आपने सुना होगा कि हिंदू सिविल कोड लागू करने की बातचीत है, लेकिन हकीकत यह है कि सभी धर्मों के लिए एक सिविल लॉ होगा, किसी धर्म विशेष का कानून नहीं होगा। एक और अफवाह कि मुस्लिमों को फेरे लेने पड़ेंगे, ये भी सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर फैलाई जा रही है। हकीकत यह है कि मुस्लिमों में शादी जो इस्लाम धर्म में रीतियां हैं उसी के मुताबिक होंगी, कोई फेरे नहीं लेने पड़ेंगे, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। एक और अफवाह कि तलाक का अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कोर्ट के जरिए तलाक ले सकेंगे, यानी एक जैसा कानून होगा तलाक लेने का सभी के लिए। बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यह भी एक अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पहनावे पर किसी नियम की कोई चर्चा सुदूर तक सूत्रों के हवाले से भी नहीं सुनने को मिली है कि सरकार पहनावे को लेकर कोई बातचीत करने जा रही है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल कि हिंदुस्तान में पहली बार यूसीसी को लेकर तकरीर, सच या झूठ क्या है? सवाल यह भी कि यूसीसी आया तो निकाह और कब्रगाह बंद, ये सच है या झूठ है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और अफवाह फैला कौन रहा है? सवाल यह भी कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा, यूसीसी पर भड़का कौन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जुमे की नमाज पर आज क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और क्यों मस्जिदों के जरिए लोगों को यह कहा गया, क्या कुछ हुआ? अलग अलग जगहों की कुछ और रिपोर्ट भी हम आपके सामने रखेंगे। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शुभ रास्ता हमारे साथ जुड़ी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। विष्णु शंकर जैन जी वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याना मीर कश्मीरी एक्टिविस्ट है, उनका भी हम रुख करेंगे। यास्मीन फारूकी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मौलाना हाफिज नूर अजहरी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के प्रेसिडेंट हैं। असगर खान जी वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजहरी साहब मैं आपके पास आता हूं। एक QR कोड के जरिए अलग अलग मस्जिदों में अपील कर दी गई, लोगों को बताया नहीं जा रहा कि भाई विरोध क्यों करना है, आपके खिलाफ क्या है। हकीकत यह है कि आपको भी नहीं पता है, आपका अपना मजमून लोग फॉरवर्ड करते रहे। मस्जिदों में ऐलान हुआ या मस्जिदों में तकरीर हुई, इसमें गलत क्या बात है? आवाम को जागरूक किया है जो सरकार के नफरती एजेंडे के खिलाफ, सरकार जो ये जिस तरह से गुलामी की तरफ हम लोगों को ले जाना चाहती है उसके खिलाफ उलमा ने तकरीरें की हैं, तो बेहतर काम किया है उन्होंने, मैं समर्थन करता हूँ उनका। क्या गलत है इसमें? अरे अजहरी साहब लोगों को बताएंगे ना कि इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है, लोगों के खिलाफ क्या है, क्यों ये नफरत फैलाने वाला है? आपके पास कोई ड्राफ्ट नहीं, कोई पुष्ट जानकारी नहीं, उसके बावजूद लोगों को आप भड़का रहे हैं और आप कह रहे हैं गलत क्या है? जिस तरह से मीडिया के जरिए, जिस तरह से ये जो RSS और उसकी जेली तंजीमें भ्रम फैला रही हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जो ये डाका जनी हो रही है, ये मुसलमानों पर ही हो रही है। इसलिए उलमा ने अपनी तस्वीरों में अवाम को संबोधित किया, बताया, समझाया है। इसमें बुरी बात क्या है? अपनी अवाम को हम नहीं बताएंगे, क्या आप बताएंगे आके? नहीं, अपना लिखा हुआ मैसेज दे देंगे कि फॉरवर्ड करते रहो, मजहब के लोग अपनी राय नहीं लिखेंगे कि क्यों उन्हें पसंद है, क्यों ना पसंद है। आप अपना मजमून देंगे कि फॉरवर्ड करो, QR कोड स्कैन करो तो आपका लिखा हुआ मैसेज आ जाता है। हाँ, हमारे यहाँ जो तलाक का मसला कुरान व हदीस से है, हमारे यहाँ जो निकाह का मसला कुरान व हदीस से है, आप उसे कैसे आप बदलेंगे? क्यों हम मान लेंगे यूसीसी को? यूसीसी को जब मानेंगे, जब आप बताइए, एक कई कई सूबे ऐसे हैं जहां पर गाय पर पाबंदी है, और कई सूबे ऐसे भाई साहब अजहरी साहब, इधर उधर मत घूमिए सर, गाय पर चर्चा नहीं हो रही है, इधर उधर मत घूमिए, गाय पर चर्चा नहीं हो रही है। और कई बार हमने उस पर भी चर्चा की है, तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सर। मैं पूछ रहा हूं, गाय पर कानून अलग क्यों है? देश शरीयत से चलेगा, संविधान से चलेगा। सूबे के कानून कीजिए, पहले सूबे के कानून कीजिए,
देखिए देश संविधान से चलेगा। यास्मीन फारूकी, यास्मीन फारूकी, यास्मीन फारूकी, उन्हें नहीं रोक। मैं शुभ रास्ता और विष्णु शंकर जैन जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले यास्मीन फारूकी जी, क्या आप लोगों के पास कोई पुख्ता बात है? ये कह रहे मीडिया के जरिए सरकार के हवाले से जानकारी मिल गई कि फला बातें इस्लाम विरोधी हैं, क्या बातें इस्लाम विरोधी हैं? देखिए मैं तो इस्लाम विरोधी की बात ही नहीं कर रही, मैं तो कानून की और संविधान की बात करती हूँ आपसे। आप अगर संविधान का ये एक क्ल्यू मान के चल रहे हैं कि ये संविधान में है कि यूसीसी लागू होगा, तो उसका एक तरीका दिया हुआ है कि राज्य जो है वो अपने पेश करेंगे, आपके पास ऊपर जाएगा, उसके बाद उस पर बहस होगी, डिक्लेरेशन होगा, आप क्या क्या चाहते हैं वो एक मसवद्दा होगा। आपने कोई चीज जो होनी चाहिए कानूनन वो नहीं की, और आपने एक ऐलान किया कि हम तो यूसीसी लागू करेंगे और हमारा एक ऐसा फैसला है कि आदिवासियों को, सिखों को इनसे अलग कर दिया जाएगा। आप तो गैसलाइट कर रहे हो यास्मीन फारूकी जी। मेरा आपसे सवाल था, एंटी इस्लामिक आपको कुछ यूसीसी में नजर आता है? बात मत काटिए। मैं बिल्कुल नहीं काट रहा हूँ, बिल्कुल नहीं काट रहा हूँ मैडम। मेरा सवाल सीधा से ये है, आपको यूसीसी में कुछ एंटी इस्लामिक नजर आता है, हाँ या नहीं? मैं एंटी संविधान है। नहीं नहीं, एंटी संविधान कैसे भाई? एंटी संविधान कैसे है? और अगर आपको लगता है कि एंटी संविधान है तो कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दीजिए कि सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। एंटी संविधान तो जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए कि सड़कों पर लोगों को भड़काएंगे, कि तकरीरें करेंगे, कि मुसलमानों सड़कों पर उतर जाओ, विरोध करो। आप चिल्लाइए, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ। सवाल ये था कि एंटी इस्लामिक कुछ है या नहीं है जो अदारी साहब कह रहे हैं? आपसे मैं बात नहीं करूंगी, आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप गलत बात। बिल्कुल इंटरप्रिटेशन नहीं है यास्मीन फारूकी जी, बिल्कुल इंटरप्रिटेशन नहीं है। मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है, और ऐसे आप डिबेट छोड़कर मेरी अपील है कि नहीं जाइए। और अगर आप जा रही है डिबेट छोड़कर, तो मैं ये मानूंगा कि आप सवालों का सामना नहीं कर पा रही है, आप सवालों से भाग रही है। मेरा सवाल अभी भी है कि एंटी इस्लामिक क्या है जो अजारी साहब ने कहा, अगर है तो मुझे पॉइंट वाइज बताइए। लेकिन शुभ रास्ता, एंटी इस्लामिक क्या है नहीं बता पा रहे, कभी चले जाएंगे कि एंटी संवैधानिक है, कभी आदिवासियों पर चले जाएंगे, कभी दूसरी जनजातियों में चले जाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मानती हूँ कि ये जो कुछ भी अभी हमने देखा, यास्मीन फारूकी जी जो नाराज होकर के गई वो इस वजह से नहीं गई कि उनको इस डिबेट से दिक्कत थी, उनको दिक्कत ये थी कि वो तर्क दे नहीं पाएंगी, और ये बात सच है। मैं तो पूछ रही हूँ, मैं तो इस्लाम की बात मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं उस मजहब के बारे में नहीं जानती। मैं जब ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे मजहब पे सवाल नहीं उठाए, मैं अभी उनके मजहब पे सवाल नहीं उठा रही, पर मुझे कोई समझा दे कि ये गैर संवैधानिक कैसे है। बाबा साहेब के संविधान में जब संविधान सभा की बैठक हुई, ये सारी डिबेट्स ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो कुछ भी बोलने के पहले वो एक बार देख लेती, पढ़ लेती क्या कॉन्वर्सेशंस हुई। उस दौरान जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स ने भी तर्क दिए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में, चाहे वो नजरुल हसन साहब हो या तमाम उदाहरण है, आप जाकर के देखिए सारी डिबेट्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और बाबा साहेब ने उस समय सब कुछ सुनने के बाद, सारी डिबेट्स को सुनने के बाद एक ही बात कही कि आज हमारे देश में ये माहौल नहीं है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, लेकिन हम फ्यूचर में इसको लागू करें, इसलिए उसको संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला जा रहा है। हमारे देश को आजाद हुए आज 7 दशक से ज्यादा हो गए, क्या अभी भी हम देश में वो माहौल नहीं बना पाए? और अगर हम उस देश में माहौल नहीं बना पाए तो ये जो धर्म गुरु यहाँ बैठते हैं आपके डिबेट्स में, या वो लोग बैठते हैं जो कि अपने आप को धर्म का नुमाइंदा बताते, वो बताए ना कि हम क्यों नहीं माहौल बना पाए आज तक, वो बताए ना कि क्यों नहीं हो सिविल एक कानून सिविल मुद्दों पर क्यों नहीं हो। ये तो कोई भी नहीं, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में जो अलग अलग रीति रिवाज फॉलो किए जा रहे हैं उनको हटा देने की बात है। ये भी नहीं है कि कल कोई निकाहनामा नहीं पढ़ सकेगा। ये भी नहीं है कि कोई अगर ट्राइबल समाज से कोई आता है तो उस समाज की जो भी रीतियां हैं उनको फॉलो करने से उनको मना किया जाएगा। ये भी नहीं है कि मैं अगर बिहार से आती हूँ तो बिहार के जो भी कस्टम्स है शादी विवाह के वो रोक दिए जाएंगे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल शुभ रास्ता ठीक बात कह रही हैं, और अब से थोड़ी देर बाद मैं सुनवाऊंगा कि कैसे मुसलमानों ने इसे खुद राजनीतिक हथकंडा बता दिया है। अयोध्या मेरठ में क्या हुआ, इसके साथ ही ठीक 5:30 बजे आपको सुनवाएंगे, खान सर ने कटाक्ष किया है, उनका एक वायरल वीडियो में आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले विष्णु शंकर जैन जी, एंटी संवैधानिक है, एंटी इस्लामिक क्या है नहीं बताएंगे, एंटी संवैधानिक है बार बार रिपीट करेंगे।
मैं राकेश जी आपके चैनल के माध्यम से बहुत विनम्रता से सारे लोगों से कहना चाहता हूं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट कर रहे हैं, कृपया आर्टिकल 25 पढ़ लें। राइट टू रिलीजन एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो हिंदू समाज के लोग हैं हमारे यहाँ डाइवोर्स का कंसेप्ट है ही नहीं, पर डाइवोर्स का कंसेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट में लाया गया जिसको हमने माना। हमारे यहाँ जो डॉटर्स को एक शेयर मिलता है मिताक्षर और दयाभागा लॉ के हिसाब से, उसके अगेंस्ट जाके सेक्शन सिक्स में हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रोविजन लाया गया, हमने उसको माना। सती प्रथा अबॉलिश की गई, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया कि विडोज की रीमैरिज हो सके। ऐसे बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन आज की मॉडर्न परिस्थिति को देखते हुए हमारे समाज में हुए, अडॉप्ट किए गए, बाइगेमी बैन की गई, एडल्ट्री बैन की गई, ये सारी चीजें हमारे समाज ने मानी। और यहाँ पे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो किसी के धर्म के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है महिलाओं के अधिकार की, बात हो रही है महिलाओं के सम्मान की। जहां पे आज फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन हो रहा है, तलाके हसन हो रहा है, जहां पे हलाला हो रहा है, जहां पे मिसयार मैरिज हो रहा है जो 30 दिन के लिए सिर्फ मैरिज होती है, जहां पे आज चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, जहां पे आज सेक्शन 494 बाइगेमी और पॉलीगैमी के ऑफेंसेस हो रहे हैं, जहां पे सेक्शन 3 पॉस्को एक्ट जो सबसे संगीन अपराध है वो कहा जाता है कि 18 साल से कम की बच्ची के ऊपर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि पर्सनल लॉ उसकी इजाजत देता है। मैं खालिदुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट का हवाला भी देना चाहता हूं, पॉस्को एक्ट की संगीन धारा आप कहते हैं हमारे पे अप्लाई नहीं होती है। तो इन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात हो रही है जिसपे आपका धर्म कहीं भी आड़े नहीं आता है, तो ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इस देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, क्योंकि फैक्ट यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इनके पास एक भी तर्क नहीं है कि इसको क्यों ना लाया जाए। और मैं यहां पे अपने जितने पैनलिस्ट उनसे पूछना चाहता हूं, और प्लीज आप भी पूछिए, क्या आप फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के सपोर्ट में है? क्या आप पॉलीगैमी और बाइगैमी के सपोर्ट में है? क्या आप चाइल्ड मैरिज के सपोर्ट में है जिसको यूनाइटेड नेशंस और विष्णु जी, मैं सवाल पर आता हूं, लेकिन जरा बयान सुनवाइए कि देश के मुसलमानों ने कैसे इसे राजनीतिक हथकंडा बताया, जो विरोध हो रहा है उसको विरोध को प्रोपेगेंडा बताया, वो बयान सुनवाइए। ठीक है, ये बयान आपसे थोड़ी देर बाद सुनवाते हैं, लेकिन असगर खान जी सवाल यही है कि बिना मजमून आप बताए क्यों विरोध करना है? कई लोगों ने यह तक कह दिया पता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या है, क्या क्या जानकारियां हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन चूंकि मौलाना साहब ने कह दिया, चूंकि मस्जिद में तकरीर दे दी गई इसलिए विरोध करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। मकसद यही है लोगों को सड़कों पर लाना। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको के डिस्कस किया जा सकता है। अभी विष्णु भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, विष्णु भाई ने बहुत सारी बात बताई, लेकिन उसमें कहीं कहीं थोड़ी सी कमियां भी हैं। जैसे पास्को की बात की, तो वो ये हमारे मुल्क का कानून है, अमेंडमेंट हुआ, कानून बना, तो वो मुसलमान मान रहे हैं कि किस मुसलमान ने मना किया? कितने मुसलमान हैं जो पास्को में अंदर हैं? मैं क्रिमिनल में प्रैक्टिस करता हूँ, हम रोज जमानत में ट्रायल में रोज जाते हैं, मुसलमान्स आर फेसिंग ट्रायल। तो एक मिनट दे देना एक सेकेंड। मिसयार मैरिज की अगर आप बात करते हैं, चूंकि इसलिए कहता हूँ हर चीज सामने, एक हम एक रो में बह के अपने एक फिलो में बहुत सी बातें कह देते हैं। ऐसे मिसयार मैरिज के जहां तक बात है, 30 दिन के लिए मैरिज होती है, ऐसा कहीं इस्लाम में है ही नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है, ये सब बहुत सारी चीजें बनावटी और उसमें लगाई हुई है। जहां तक सवाल इस बात का है यूसीसी का, मेरा तो सिर्फ एक सवाल है। मैंने राकेश भाई पहले भी आपसे सवाल किया था कि भाई जैसे अभी हमारी बहन भी बता रही थी पैनलिस्ट कि 75 साल हो गए हमारे मुल्क आजाद हुए हुए, मेरा सवाल यह है कि कितने लोगों को इस बात से परेशानी थी? आज तक सारे काम अपने अपने मजहब के हिसाब से, सारे कानून अपने अपने मजहब के हिसाब से चल रहे थे, हमें तो लगा कि किसी को कोई परेशानी थी। आप वकील हैं असगर खान जी, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर कॉमन रिलीजन कोड नहीं है? बार बार ये मैं बात लगातार यूसीसी पर चर्चा के दौरान कहता हूँ, मैं ये सोच ये कॉमन सिविल कोड है, कॉमन रिलीजन कोड नहीं है। मैं सुनाता हूँ आधारी साहब, आप भी सुनिएगा, आधारी साहब आप भी सुनिएगा, शुक्रता आता हूँ, पहले सुनिए सर, सुनिए ना वाराणसी के लोगों ने क्या कुछ कहा, वाराणसी के लोगों ने क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए, आधारी साहब आप ध्यान से सुनिएगा। यूसीसी को लाया जा रहा है कॉमन सिविल कोड, क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? उसको नॉलेज नहीं है मेरे को। अच्छा, यूसीसी के बारे में नहीं है? यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं पता भाई, नहीं पता नहीं है, बिल के बारे में नहीं मालूम है,
देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल के बारे में जानकारी नहीं है या फिर ये शायद बोलना नहीं चाहते हैं। तमाम बातें हो सकती हैं, हम और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यूसीसी का तो आपने नाम सुना ही होगा। नहीं, नहीं सुना। कोड आ रहा है जी, क्या कहेंगे? इस्लाम के लिए ये नहीं ना है, इस्लाम में अपना अपना धर्म है, इस्लाम के अंदर अपना धर्म है, हिंदुओं के अंदर अपना धर्म है, सनातन धर्म के अंदर अपना धर्म है, ईसाइयों के अंदर अपना एक नियम कानून है, ये तो गलत है। अच्छा, आज जुमे की नमाज हुई है, कोई ऐलान हुआ कि क्या करना है नहीं करना, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बकायदे एक QR कोड भी जारी किया? यहाँ पर सिर्फ जुमे की नमाज होती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसमें सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो कौन भड़काने का काम कर रहा है? जो भी भड़काने का काम कर रहा है इसके पीछे तो सब लगा है। तो आपके नजरिए से, आपके नजर से मतलब ये कानून बेहतर है, ये आना चाहिए? ये कानून अगर बना रही है सरकार तो सबके लिए बढ़िया ही बना रही है, कोई नुकसान तो होगा नहीं। मगर अब उसको कुछ मुद्दा बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो गलत है ना? एकदम गलत बात है। हम ये सोचते हैं कि UCC से मुराद यही है ना कि ये किसी तरह से मुसलमानों के हकूक पर हमला है। UCC मतलब ये है कि जो हम चाहें वही होगा। तो ये आपने सुना है। आजारी साहब 20 सेकंड में आपको देता हूं, बहुत कट टू कट बताइएगा कौन मुसलमानों को भड़का रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये भड़काने के लिए विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़का रहे हैं। अच्छा, तकरीरें आप करिए। नहीं, तकरीरें आप लोग करिए, QR कोड आप जारी करिए, लोगों को समझाइए नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं पता ही नहीं है भाई। देखिए पता ही नहीं है, सरकारों की चापलूसी ही करनी है, पता ही नहीं है। आपको 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 सरकारों के साथ ही खड़े होना है। नहीं नहीं, सरकारों के साथ नहीं, सच के साथ खड़े होना है। सरकारों नहीं, सच के साथ खड़े होना है, अफवाहों के खिलाफ खड़े होना है। और इसीलिए देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर जो अफवाहें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है उससे मैंने राइट स्क्रीन पर रखा है, कुछ और कहा ही नहीं, राइट साइड में, और जो हकीकत है उसे लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। इसीलिए कि अफवाहों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर सके, हकीकत बता सके। आप तो देखिए, अब आपने क्या किया, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है, हमारी आवाज नहीं। नहीं सर, मेरी आवाज नहीं, सच की आवाज तेज होती है। दोगलापन है? नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं, ये सब बातें नहीं, ये सब बातें नहीं। हजारी साहब, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है सर। नेशनल टेलीविजन पर है, उसी के डेकोरम के हिसाब से बात करिए। चलिए, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद अयोध्या मेरठ में क्या हुआ, वहां पर लोगों ने क्या हुआ क्या कहा, और खान सर का एक वायरल वीडियो जिस पर मैं खास तौर पर अजहरी साहब और असगर खान जी से सवाल करूंगा। ब्रेक। अनुराग बे बरेली के सेमीखेड़ा गांव में मौजूद है और इसी चीनी मिल में GM पद पर कार्यरत है मैडम। और साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं। कल दोपहर 2 बजे से अगर बात करें तो SDM मैडम यहां पर मौजूद नहीं है। हमने उनसे कल रात फोन पर बात की है, ज्योति मौर्य से। उनका कहना है कि वो इन सभी चीजों को लेकर काफी डिस्टर्ब चल रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जजमेंट शुरू हो गया महिलाओं ज्योति मौर्य के ऊपर, किस तरह से उनके चरित्र पर हजार सवाल लोगों ने उठा दिए, इसको लेकर भी वो काफी डिस्टर्ब चल रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, मैं मंगलवार को वापस लौट के आऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूं, उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपसे बात करूं। देखिए, वो सामने आप देख सकते हैं, ये वही अपार्टमेंट है जो सरकारी उनको मिला हुआ है, वो यहीं पे रहती हूं और इसी की दाहिनी तरफ उनका दफ्तर। आज शुक्रवार वर्किंग डे है लेकिन वो यहां पर मौजूद नहीं है। अमूमन वो 9 बजे अपने दफ्तर में पहुंच जाती है लेकिन कल दोपहर 8 बजे से वहां मौजूद नहीं है। मीडिया के तमाम लोग उनसे मिले। अजहरी साहब, आपकी टिप्पणी। ऐसे आप हजारों बागी हैं इस्लाम के और मुसलमानों के, उन्हें आप दिखाते रहिए। इस्लाम का कुछ होने वाला नहीं है, इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। ऐसे इस्लाम के बागी आप ढूंढिए, लाइए, सुनवाइए उन्हें, कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ कह रहा हूँ कि अभी इसका कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, अभी कोई इसका, ओ भाई साहब यही तो कह रहा हूँ, जिम्मेदारी नहीं है। आप खुद कितने गैर जिम्मेदार हैं, अजहरी साहब खुद कितने गैर जिम्मेदार हैं। आप एक और कह रहे हैं कि कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप खुद कह रहे हैं कि कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मुसलमानों विरोध करो, एक QR कोड जारी कर दिया कि इस्लाम के खिलाफ है। भाई, जब ड्राफ्ट आया नहीं तो ये इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया, आपको कैसे पता चल गया? आपसे बही तो मैं बही मैंने कल पूछा था, कल भी नहीं आपने बताया और आप टहलाते रहे हैं और आज भी आप हमें टहला रहे हो। शुभराज साहब, आपको कैसे मालूम है कि हमारे फराइजों बाजी बातों अख्तियार पर हमला नहीं है? भाई, जो आप हमें
जो हमें आपको कैसे मालूम है कि पता है हमला है आपको, आपको कैसे पता है? हम तो कह रहे हैं कि नहीं है भाई, जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां यही मिली है, किसी भी धार्मिक परंपराओं रीति रिवाजों में कोई दखल नहीं। हम हुक्मरानों की चापलूसी करने के लिए कोई चापलूसी नहीं है भाई, हम आदारी साहब कोई चापलूसी नहीं है। चापलूसी होती तो अफवाह हकीकत की इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं रखता। शुभराज साहब आपको हंसी आ रही है, रुक जाइए आदारी साहब। आदारी साहब जो इनके खिलाफ बोले, जो कहे कि भाई बताओ हम विरोध क्यों करें, वजह बताओ पहले, तो वो इस्लाम का बागी हो गया। नहीं, इस्लाम का बागी घोषित करने वाले ये मौलाना होते कौन है? कौन है इनकी? ये इस्लाम के बागी नहीं है। मैं कैसे मानूं? आप जानती हैं इस्लाम के, अभी आपने कहा इस्लाम के बारे में, मैं कुछ नहीं जानती। अल उलमा व फरासतुल अंबिया, इस्लाम नहीं हुआ इस्लाम, अल्लाह के, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उलमा, उलमा के बारे में आप इस बात में आप दंगा भड़काने वाले, उलमा का हक है, आप दंगा भड़काने वाले दंगाई हैं। अरे आप ये बोली बोल करके और कुछ नहीं कर सकती इसके अलावा। दंगाई दंगाई अगर हम हैं तो आप शांति 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 ओम शांति शांति शांति। आपसे मैंने ये पूछा कि आप होते कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले कि खान सर बागी है या नहीं है? इसमें आप क्यों पॉपकॉर्न उछल रहे हैं? क्यों उछल रहे हैं? किसने दिया आपको सर्टिफाइंग एजेंसी? जितने जितने मुसलमान नाम के टीवी डिबेट में लेकर के आते हैं ये इस्लाम के खिलाफ करने के लिए। चलिए मैं आता हूँ बीच में, मैं आता हूँ बीच में। शुभराज साहब, आदारी साहब, रुक जाइए सर, आप दोनों लोग रुक जाइए। शुभराज साहब रुक जाइए, शांत हो जाइए। आदारी साहब रुक जाइए। नहीं सर, ये कोई पर्सनल लड़ाई के लिए मंच नहीं है और कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा यहाँ पर बैठकर। ये बिल्कुल व्यक्तिगत लड़ाई के लिए कोई मंच नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। चलिए मैं असगर खान के पास जाता हूँ और विष्णु शंकर जैन जी, दो वकील भी हमारे साथ पैनल पर हैं। अफवाहों हकीकत की एक बड़ी बड़ी लिस्ट हमने रखी हुई है, जरा डाल दीजिएगा स्क्रीन पर, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा कर दी थी। असगर खान जी, अभी तक अजहरी साहब आप नहीं बता पाए एंटी इस्लामिक क्या। अजहरी साहब खुद कह रहे हैं ड्राफ्ट आया नहीं है, फिर भी लोगों को कह रहे हैं क्यू आर कोड स्कैन करो, विरोध करो भाई, विरोध करो, विरोध करो। क्या तरीका है ये? भड़का नहीं रहे तो क्या कर रहा है भाई? एक राकेश साहब, पहले तो ये कि एक अजीब अजीब सी मिसालें आप देते हैं यहाँ इस्लाम को बीच में रख के हाथ काटने वाली। अरे हमने मिसाल नहीं दी असगर खान जी, एक वायरल वीडियो था खान सर का, वो सुनवा दिया हमने, उस पर टिप्पणी पूछ ली। आप बोलने नहीं देते, बिल्कुल बोलने दे रहा, आप बोलने तो दे, बोलने दे रहा हूँ। आपने कहा कि मिसाल पेश की, नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं, अगर आप गलत कोट करेंगे तो मैं बीच में आऊंगा। आपने कहा कि मैंने, अरे असगर खान जी, असगर खान जी मुझे मेरी भूमिका मत सिखाइए सर। आपने कहा कि मैंने मिसाल पेश की, मैंने कोई मिसाल पेश नहीं की, बकायदे कहा कि वायरल वीडियो है। अरे आप, हम आपको नहीं सिखा सकते, आप भी हमें नहीं सिखा सकते। मैंने कहा नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं उम्र में भी। चलिए अब जवाब दीजिए सर, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, आपकी सीनियरिटी का सम्मान है, सवाल का जवाब। हाँ जवाब कहने जाने जाने तो दीजिए, पब्लिक तक बात तो जाने दीजिए साहब। आप जैसे जो मिसाल दे रहे हैं, मैं पहले उसी को तो डिस्कस करूंगा ना, जो आप मेरे सामने रख रहे हैं कि आपने अभी हाथ काटने वाली थी। आप मानिए तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आज उस कानून को आप लेके चलिए, चार लोगों को शरेआम आप काट दिए हाथ, और रेट ऑफ कन्विक्शन के ऊपर जो रेट है चोरी की, वो आप एक महीने बाद देख लीजिए, अगर खत्म ना हो जाए तो। अच्छा, तो किसी के ऊपर उंगली ना उठाए हम। हालांकि हम मानते हैं हमारे देश का कानून सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, संविधान सबसे अच्छा है, सब चीज मानते हैं, लेकिन आप लोग ना संविधान को मानते हैं ना कानून के प्रोसीजर को मानते हैं। ठीक ठीक, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं उसका करिए ना प्रोसीजर, अडॉप्ट करिए। विष्णु शंकर जैन जी, जिस 25 विष्णु शंकर जैन जी, असगर खान वकील है, आपके ही पेशे से है, वो कह रहे हैं लागू कर दो चोरी करने पर हाथ काटने वाला कानून, देश की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। आप विष्णु शंकर जैन जी, आप करके देखिए ना। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, विष्णु शंकर जैन जी, यही सबसे बड़ी विडंबना है। असगर भाई हमारे सीनियर हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे कहा है कि ये देश शरिया से चलना चाहिए और इस पूरे देश में शरिया कानून लागू होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि असगर भाई वकील होने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ असगर भाई, तो मुझे करेक्ट करिएगा, और एक दफा नहीं हजार दफा करेक्ट करिएगा। और प्लीज आपके पीछे भी किताब रखी हुई है, आर्टिकल 25 में ये बता दीजिए साहब, रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, लिखा है कि नहीं लिखा है?
मैं एक बात पूछना चाहता हूँ राकेश भाई, बहुत विनम्रता से, आज सुप्रीम कोर्ट में जितनी कोर्ट है, दिवाली के पटाखे जले कि ना जले इसको एग्जामिन किया जा रहा है, जल्लीकट्टू हो कि ना हो इसको एग्जामिन किया जा रहा है, शबरीमाला में हमारी बहनें जाए कि ना जाए इसको एग्जामिन किया जा रहा है, दही हांडी हो कि ना हो इसको एग्जामिन किया जा रहा है, पर जब आज यहाँ पे मुस्लिम लॉ को एग्जामिन करने की बात आती है तो देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश। ठीक है, वक्त की कमी है, मैं आप सबको रोकूंगा, लेकिन आज की डिबेट से और खासतौर पर आजारी साहब ने जो बातें कही, यास्मीन फारूकी जी डिबेट छोड़कर भाग गई, हमारी कोशिश यह थी कि अफवाहों और हकीकत दोनों को आपके सामने रखें, आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान कर सके, जो सवाल है उनका जवाब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं दे सके, लेकिन बता नहीं पाए कि एंटी इस्लामिक क्या है। तो सर पहले एंटी इस्लामिक क्या है वो देश के सामने रख दीजिए, मेरी आपसे अपील है, उसके बाद लोगों को कहिए कि, या फिर लोगों पर छोड़ दीजिए कि उन्हें समर्थन करना है विरोध करना है, सरकार का ड्राफ्ट आ जाने दीजिए, उसमें अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो सरकार से कहिए कि भाई चेंज करो इसको, लेकिन अंधा विरोध नहीं होना चाहिए इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।